न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, हस्तियों में तुम्हारा नामो निशान तक ना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय मस्जिदों में बट रहे हैं हाफिज सईद के फतवे वाले चिट्ठी। अच्छा, इन फतवों में क्या है, ऐसा क्या है जिससे हम सनातन धर्म के लोगों को डरना चाहिए और समझना चाहिए कि हालात कितने मुश्किल हैं। दोस्तों ये जो फतवा आया है उसकी मैं मुख्य मुख्य बातें बता देता हूं, बाकी चीजों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका मैं लिंक दे दूंगा। बिजनौर यूपी वाला फॉर्मूला अपनाना है, हर मुस्लिम नौजवान को हिंदुओं से दोस्ती करनी है, घर बुला करके उन्हें मांस मछली मुर्गा खिलाना है और फिर काफिरों के घर में उनकी औरतों को यारी करके फंसाना है। ये दूसरा बोतल फॉर्मूला, गरीब बस्तियों में काफिरों के ज्यादा से ज्यादा शराब मिला करके उनको पिलाएं और 9 करोड़ तो लगभग हिंदू मुसलमानों में मिल चुके हैं, बाकियों को मिलाएं। चोरी डकैती, काफिरों के घर में धोखा देकर चोरियां करो, खेत की फसलें काटो, जानवरों की भी चोरी करो। शहरी फॉर्मूला, मुसलमान अकल से काम ले, अपने छोटे लड़कों को काफिरों के घर में नौकर रखो वरना 20-25 बच्चे कैसे पालोगे। 8-10 साल बाद आपके बच्चे बड़े होकर के उन्हीं के घर के जवान औरतों के साथ अफेयर करेंगे, ऐश और पैसा भी कमाएंगे। शहरी फॉर्मूला 2, नौजवान ड्राइवर, खानसामा रोटी पकाने वाले चौकीदार बन हिंदू नामों से रहो, मौका मिलते ही उनकी बातों पे अमल करें और इसके अलावा गाड़ी स्कूटर वगैरह चोरी करवा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको काफी हद तक डिस्टर्ब कर सकती है, डिस्टर्बिंग है। और सबसे बड़ा थ्रेट यह है कि हिंदुस्तान की कई मस्जिदों में इन चिट्ठियों को फरमान समझ के पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट का पूरा न्यूज लिंक आपको दे देता हूं। अब बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है और तस्लीमा नसरीन ने क्यों कहा कि असल जड़ जो है आतंकवाद का वो है कुरान शरीफ। दोस्तों जिनको लगता है कि ISIS या कोई भी आतंकवादी संगठन इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है वो सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक यही कर रहा है। कुरान की आयतों का जो 24 आयतें हैं जिसे भारत में तथाकथित रूप से बैन किया गया है, तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मस्जिदों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये तो हम और आप समझ नहीं सकते, मगर कुरान में ये आयतें हैं। अब कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मेजोरिटी में जैसे ही जम्मू में तो कम है, श्रीनगर में जैसे ही वो ज्यादा हुए कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। केरल में 50-50 पे हैं हिंदू और मुस्लिम, वहां आप देख रहे हैं कि लगातार उन पे अटैक किए जा रहे हैं, मंदिरों पे अटैक किए जा रहे हैं। यही कमोबेश हालत वेस्ट बंगाल में है और आपको मैं एक एड्रेस देता हूं वेस्ट बंगाल में, आप जाकर के देख सकते हैं, वहां डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी है। जगह का नाम है मठिया ब्रिज, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में है, गार्डन रिच के इलाके में, वहां ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। और मठिया ब्रिज में आप न केवल अपनी गौ माता को बीच चौराहे पे लटकते हुए भी देखेंगे बल्कि खुलेआम आपके सामने कई ऐसी हरकतें होंगी और आप खौफ के साए में जाएंगे। यकीनन आपको मैं बता दूं कि आप क्या बंगाल की, वेस्ट बंगाल की पुलिस भी जो है वहां जाने से डरती है। ऐसा क्यों? उनकी तादाद जैसे ही ज्यादा होती है डेमोक्रेसी की हत्या क्यों हो जाती है, ये सवाल मेरा है। दोस्तों मेरा इस्लाम के जानकारों से कुछ सवाल है। अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब दोनों अल्लाह के बेटे थे, दोनों को अल्लाह ने, भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने भेजा है जो भी है, तो दोनों ने अलग अलग तरीके क्यों बताए? दोनों ने खुदा को पाने के लिए और खुदा के राह पे चलने के लिए, ये कम से कम यीशु मसीह और मैं पैगंबर साहब के बारे में बात कर रहा हूं, इन दोनों ने दो अलग अलग रास्ते क्यों बताए? ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाले ने एक को अलग डिक्टेट किया है किताब और दूसरे के लिए अलग डिक्टेट किया है। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि काफिरों ने किताब बदल दी, तो भाई
हजरत मोहम्मद साहब के जन्म लेते तक कुरान की जो बाइबल थी वो ठीक थी, और जन्म लेते ही किताब बदल गई। ये कैसा प्रार्थ, ये कैसी बात है। अब तस्लीमा नसीम की बात पे आते हैं, जिन्होंने आयतों का जिक्र किया था। वैसे इन 24 आयतों का मैं लिंक दे रहा हूं, जिस किसी को अगर लगता है कि भाई ये आयतें गलत लिखी हुई हैं, वो आकर के मेरे मुसलमान भाई मुझे क्लियर करें, हो सकता है मैं भी गलत हूं। पहली आयत, जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों, मतलब मूर्ति पूजक, मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, पकड़ो और उन्हें घेरो, घात की जगह लगा के ताक में बैठो, फिर वे तौबा कर ले अगर, नमाज कायम कर ले यानी अगर धर्म परिवर्तन कर ले, जकात दें, अल्लाह का मार्ग छोड़ के, निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयालु है। अब बताइए कि क्या आईएसआईएस, लश्करे तैयबा, ये जो लोग जिहाद के नाम पे पढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? ये कुरान की लिखी बातों को ही तो बता रहे हैं। फिर दूसरी आयत, हे ईमान वालों, मुशरिक पूजक नापाक है, यानी हम मूर्ति पूजक, लगातार झगड़ा पसार, अन्याय अत्याचार करने वाले, अन्यायी पवित्र नहीं तो और क्या है। ये तो ठीक है, लेकिन आप ही समझ लीजिए कि ये जो लगातार झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ये लोग कौन है और क्या है। फिर निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, सूरह नंबर 4 आयत 101। कमाल है यार, ये किताब है या क्या है समझ में नहीं आता। अल्लाह के रसूल से लूटा हुआ माल काफिरों को से लूट लो, उनसे छीन लो, उनकी औरतों को हड़प लो, और लव जिहाद का भी जो फैक्टर है वो दोस्तों यहीं से आया है। लोग मानेंगे नहीं, लेकिन हालात ये हैं इस वक्त देश में कि छोटे से छोटे जगह पे भी लव जिहाद के केसेस बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल वक्त है हिंदुओं के लिए। आप लोग कम से कम विरोध तो करना सीखिए भाई, खुल के ये तो बोलिए कि भाई ये गलत हो रहा है मुल्क में, वो भी आप ही के मुल्क में गलत हो रहा है। ये कमाल की बात है कि हाफिज सईद डंके की चोट पे कहता है कि हंस के लिए पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि यार अभिषेक तिवारी तुमको तो जानकारी है नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हो। मेरा सवाल ये है, तस्लीमा नसीम को भी जानकारी नहीं है क्या? वो मुजद्दी कुरान नहीं जानती है? तीसरी बात, ये जो आयतें लिखी हैं, जिसका पूरा का पूरा मैं आपको स्क्रीनशॉट और डिस्क्रिप्शन लिंक में उसके लिंक दे रहा हूं, मैं कुरान के भी लिंक दे रहा हूं, तो जब ये किताबों में लिखी बातें हैं और उनकी ये सबसे बड़ी धार्मिक किताब है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो शांति प्रिय ढंग से रहने की कोशिश भी करेंगे, या फिर कैसे मान लिया जाए कि वो मौका मिलते ही हमारे खिलाफ प्रहार नहीं करेंगे। और यही तो हो रहा है इस देश में, आज से नहीं, ये 1000 साल से हो रहा है। ये लोग बात करते हैं कि अकबर महान है, औरंगजेब बड़ा महान था। आप दोस्तों एक बात सोचिए, आपकी सारी वेद पुराण किताबें जला दी गई, इतने सारे ये लोग कहते हैं कि हमने हेरिटेज बनाया। पर मेरा सवाल वामपंथी लोगों से और तमाम वो लोग जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं है, उनसे एक सवाल है, इस देश में 800 सालों में दिल्ली सल्तनत में जितने भी मुस्लिम शासकों ने राज किया, क्या कोई यूनिवर्सिटी बनाई, क्या कोई एक ऐसा कॉलेज कुछ भी बनाया, ज्ञानस्थली बनाई जहां पे एजुकेशन सिस्टम की बात हो? इनका काम ही यही था कि हमारे मंदिरों को तोड़ो, हमारे जितने ज्ञान के केंद्र हैं तोड़ो, और उसी की वजह से आज हम बात करते हैं स्कूलों में कि पीटी करो, योगा मत करो। मैं तो 9th क्लास तक समझ ही नहीं पाया था, उतनी बुद्धि भी नहीं थी कि हम क्यों पीटी कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में योगा की बात कही गई है, फिट रहने के लिए, रहने के लिए हम योगा कर सकते हैं। ये गौरव वापस दिलाया नरेंद्र मोदी भाई। दोस्तों जब आपके रूट को तोड़ा जा रहा हो तो उसका जवाब आप वापस उसी रास्ते पे चल के कर सकते हैं, और इसमें एक प्रोसेस लगता है, 4 साल में उतावले होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरा एक सवाल है, जिनकी किताबों में ऐसी बातें लिखी हो किसी दूसरे धर्म के मानने वाले के लिए, क्या वो वाकई गंगा जमुनी तहजीब की बात कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या
ऐसे लोग देश हित में जिनके लिए वंदे मातरम कहना उनके कुरान की और इस्लाम की प्रैक्टिस के खिलाफ हो जाता है, हालांकि ये है नहीं पर फिर भी उन्हें बताया जाता है। तीसरी बात, जिस देश के मस्जिदों में हाफिज सईद के पत्र पढ़ाए जा रहे हों, क्या उस देश में सामने वाला राष्ट्रवाद की बात सोच सकता है? और अब आप समझिए कि ये लोग क्यों पूरी की पूरी कौम जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हुई है। इनका साथ वो ठीक कह रहे हैं, 9-10 करोड़ मुसलमान मिला लिया है, मैं जानता हूं, और ये मैं जानता हूं खुलेआम खुल्ला जब आप बोल रहे हैं कि आपकी सरकार थी कांग्रेस, निश्चित रूप से वो है, मैं ये भी जानता हूं। डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाले वो लोग कहां चले गए जब तस्लीमा नसरीन को इसी देश से निकाल दिया गया? ये तो डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये सीरिया तो नहीं, ये पाकिस्तान तो नहीं, पर इतना बड़ा बवाल ऐसा हुआ है कि निकालना पड़ा। अब वो मैडम बाहर रह रही हैं, मगर फिर भी आप देखिए उनके खिलाफ फतवों की लिस्ट, लज्जा किताब में ऐसी कौन सी बात लिखी गई थी जिसके वजह से इस्लाम खतरे में आ गया? खैर, इस्लाम खतरे में तो गाना गाने तक से आया है, इस्लाम का आतंकवाद का धर्म नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जितने महान लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, याकूब मेमन तो सर्टिफाइड टेररिस्ट था, उसके जनाजे में जाने वाले 20,000 लोग क्या पोटेंशियल टेररिस्ट नहीं है? और अगर वो पोटेंशियल टेररिस्ट हैं, और वो अगर पोटेंशियल टेररिस्ट हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको राष्ट्रवाद की नजर से ना देखूं? मुझे तो डाउट करना पड़ेगा, मुझे क्या पता कि वो 20,000 लोग कहां जाए। कश्मीर में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, बरेली, मुजफ्फरनगर, बिहार के सीमांचल में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। लोग कहते हैं ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, मैं कहता हूं ये इनलीगल माइग्रेंट है। ये आप क्या बात कर रहे हैं जनाब, ये रिफ्यूजीज नहीं है, बांग्लादेशी कैसे रिफ्यूजीज हो सकते हैं? उन्होंने धोखे से इस देश का आधार कार्ड बनवाया, इस देश का वोटर आईडी कार्ड बनवाया, और अब वो कहते हैं हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। जनाब फिर ये हिंदुस्तान किसके बाप का है? इस बात की परख कौन करेगा? कुरान में की आयतों को आखिर कोर्ट ने क्यों बैन किया? इस बात का जवाब मुझे कोई इस्लामिक स्कॉलर आके दे दे कि आखिर हिंदुस्तान में, इसी हिंदुस्तान में उन 24 आयतों को क्यों बैन किया गया? क्या कारण रहे उसके पीछे? अगर वाकई कुरान और इस्लाम शांति की बात करता है तो वो 24 आयतों की सच्चाई क्या है? और ये ऐसी बातें क्यों लिखी हैं जब होली बुक में लिखा है कि मूर्ति पूजक काफिर हैं, उनको मार डालना है, आपके मंथ खत्म होते ही, पवित्र महीना खत्म होते ही। तो यही तो कश्मीर में होता है, यही तो कश्मीर में हो रहा है। या इलाही इल्लल्लाह, हम क्या चाहते हैं आजादी, आजादी का मतलब क्या? यही तो हो रहा है कश्मीर में, ईद की नमाज खत्म होती है और पत्थरबाजी चालू होती है, लोगों को मारा जाता है। यही तो हुआ 1990 में, खुलेआम मस्जिदों से, मस्जिद तो खुदा का घर होता है, ये तो तुम लोग मानते हो, और उसी खुदा के घर से तो आवाज निकली थी कि कश्मीरी पंडितों अपना जगह छोड़ो, अपनी औरतों को छोड़ के भाग जाओ। हंस के कहते हैं कि बनाने दो इन्हें घर, हम ही लूटेंगे, पाकिस्तान लिया हंस के हिंदुस्तान लेंगे लड़के। आप समझिए जनाब की स्थिति कितनी डेंजरस है। दोस्तों अगली पार्ट में हम बात करेंगे सनातन धर्म, सिर्फ सनातन धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्रिश्चियनिटी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि सनातन धर्म क्यों औरों से ज्यादा बेहतर है।